चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसमें। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर माइनस 2 एंड 5 अपॉन 6 होल रेज टू द पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2। चलिए ए अपॉन बी की पावर यहाँ पर कितनी सॉल्व करनी है उसको एक तरफ हटा के ये देखते हैं कि ए अपॉन बी के पास यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 6 होल रेज टू द पावर 0। तो अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, सबसे पहला नेगेटिव पावर, दूसरी है पावर 0। नेगेटिव पावर से के साथ आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हर हाल में इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 हो जाती है तो एक लॉ है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर पॉजिटिव हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो डिवाइडेड बाय 1, आपको मालूम है किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही नंबर आपको मिलेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए अपॉन बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, लेकिन आपको फाइंड आउट किसकी करनी है वैल्यू, ए अपॉन बी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, 3/4 होल रेज टू द पावर 2। आपको फाइंड आउट करनी है ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू। तो देखिए, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी पावर माइनस 2 की है तो राइट हैंड साइड पे भी जो भी आपका नंबर दिया गया है उसकी भी पावर आपको माइनस 2 करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, कि अगर लेफ्ट साइड पे आपने प्लस 2 किया है तो आपको राइट साइड पे भी लेफ्ट प्लस 2 करना है, अगर आपने लेफ्ट साइड पर माइनस 5 किया है तो आपको राइट साइड पे भी माइनस 5 करना है। इसी तरीके से अगर आपने लेफ्ट साइड पर माइनस 2 लिया है पावर, तो आपको राइट साइड को भी पावर माइनस 2 देना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2, और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं हम 3/4। अगेन एक और लॉ यूज़ करना है, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो हमने ये लॉ देखा था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कि अगर किसी नंबर के पास दो पावर्स हैं तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन हटा देना है। तो 2 2s are 4, और क्योंकि एक ही नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में हमें दिखा था अगर दोनों में से एक के पास अगर नेगेटिव साइन होता है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कर लेते हैं इसको, पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए होल रेज टू द पावर 4। अब देखिए आंसर हम यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होती है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 4 16 एंड 256, 3 3 9 एंड 9 9 80 1। सो ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2 की जो वैल्यू है वो गई 256/81। ये है आपकी ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू। लॉज याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, बहुत हद तक ये आपके लिए आसान बना देता है आपके क्वेश्चंस को।